तस्लीम भाई क्या कहेंगे, पिछले दिनों जो न्यू नशीबंद कॉलोनी में जो आपके साथ में कुछ वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, लड़के नौजवान हैं, उनके साथ में आपका कुछ झगड़ा हुआ, उसको लेकर क्या कहोगे? अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे आप? खैरियत से होगे? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र करना चाहूँगा कि अल्लाह जिसको इज़्ज़त देना चाहता है ना, तो उसको मिलके कोई भी बेइज्जत नहीं कर सकता है। क्योंकि मैं आपको इसकी थोड़ी एक शॉर्ट में स्टोरी देता हूँ कि मैं कुछ दिनों से एक वायरल वीडियो देख रहा था मेरे बारे में, कुछ लोग कह रहे थे, मेरे मोहल्ले के लोग, नेबरिंग कॉलोनी के लोग, कि वो ऐसा प्रूफ करना चाह रहे थे कि मैं बहुत गलत इंसान हूँ या मैंने जो स्टेप लिया वो बहुत गलत है। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये नशे के या जो भी सिगरेट है या जो भी नशा है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, पर मैं इस पर बात करना चाहूँगा क्योंकि ये लोग का कहना था कि यहाँ पे गलत इल्लीगल एक्टिविटीज़ होती नहीं है। मेरा बोलना था कि यहाँ सब लोग ऐसे नहीं हैं, कुछ लोगों की वजह से एरिया ख़राब हो रहा है, ओके। और ये सिर्फ ये एरिया की बात नहीं, पूरे मुमराह में बहुत सारी जगह पर यही प्रॉब्लम्स है, मगर इसके लिए बात करने वाले बहुत कम लोग हैं। तो मैंने वो थोड़ा सा एक स्टैंड लिया इस चीज़ के लिए, ओके। तो ये उस वीडियो में मैंने देखा, एक जर्नलिस्ट है मुमरा की, वो गए थे मेरे नेबरिंग कॉलोनी में और उन्होंने बोला है कि यहाँ पे कुछ नहीं होता ऐसे इलीगल एक्टिविटी। तो मैं जो बात कर रहा हूँ ना, मेरे इस बात करने के बाद एक क्लिप आएगी, न्यू नशीबंद कॉलोनी के सीसीटीवी फुटेज है, ये उनकी कॉलोनी का फुटेज है जहाँ पर मेरी मारामारी हुई थी, इंसिडेंट हुआ था, वही जगह पर लड़के लोग सिगरेट पी रहे या कौन सा नशा कर रहे हैं मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, मगर आप धुआं देखिए आप समझ जाएंगे। कोई भी सिविलाइज सोसाइटी में रात में 12:15 बजे इतने सारे लोग मिलके धुआं आता है तो ये इल्लीगल नहीं है, तो क्या ये मुझे समझ में नहीं आता है। और जो लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं होता है, तो अगर ये उनके हिसाब से सही है तो मेरे पास अल्फाज नहीं कि आगे इसको डिफ़ाइन कैसे करूँ मैं, ओके। और सेकेंड थिंग जो रही जो मेरे इंसिडेंट की झगड़े की, ओके, जो वो रिपोर्टर, इसका नाम याद नहीं है मुझे, वो रिपोर्टर ने जो क्लिप चलाया ना कि मैं मार रहा हूँ, ओके, मैं उसमें मार रहा हूँ, नो डाउट, पर मेरा ये बोलना है कि उसने आधी क्लिप चलाई है। वो लोग हॉकी लेके आए थे, बाम्बू लेके आए थे और वो लोग 8 से 10 लोग थे, मैं अकेला था। वो लोग पहले मुझे अटैक किए, ओके, अटैक करने आए, तब मैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए क्या करता, मैंने अकेले ने वो लोग को फिर मारा, ओके। फिर मुझे देख के किसी के भी अब्बा, किसी के भी वालिद साहब अपने बच्चे को देख के तो आ गई ना, तो वो हिसाब से मेरे अब्बा मेरे साथ में आ गए। हम लोग ने किसी लड़के लोग को जमा नहीं किए थे, ओके। और ये क्लिप भी इंशाल्लाह मैं जो ये बात कर रहा हूँ आपसे, इसके बाद उसका क्लियर एविडेंस न्यू नशीबंद के सीसीटीवी फुटेज से ही आएगा। तो मेरा ये जो मेरा एलिगेशन नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट है मुमरा के तमाम लोगों से कि आप स्टैंड लीजिए, आपके एरिया में अगर गलत हो रहा है तो प्लीज़ इसको लीगल एक्शन, जो डिपार्टमेंट है हमारा, पुलिस डिपार्टमेंट है, वहाँ जाकर इसको रिपोर्ट कराइए और बार बार कराइए अगर ये बार बार हो रहा है तो, क्योंकि ये चीज़ हमारे आने वाले जनरेशन को बहुत ख़राब करने जा रही है। मैंने स्टैंड लिया और मैं चाहता हूँ कि मुमरा के हर एक लोग स्टैंड ले। और एक लास्ट बोलना चाहूँगा मैं कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने एरिया में खड़े रहते हो या आप अपनी खिड़की खोलते हो तो आप किसको देखना चाहोगे? किसी नशे करने वाले को देखना चाहोगे या फिर अच्छे लोगों को, नमाजियों को, एजुकेटेड लोगों को देखना चाहोगे? तो प्लीज़ मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप इस पर प्लीज़ एक्शन भी लीजिए और सोसाइटी वालों को भी ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ अपने सोसाइटी में, अपने जो आपकी जो कमेटी है उसमें डिस्कस करो और इसको प्लीज़ इसका सफाया करो। जिस तरीके से भी आपने कहा कि नशे की वजह से जो आपको जो इल्लीगल एक्टिविटीज़ होती है उसको लेकर आप उसका विरोध कर रहे थे, विरोध कर रहा था आपके ऊपर एक्शन, तो इसी तरह पूरे मुमरा कोसा का हाल है। हाँ हाँ। कि कोई भी इस तरीके का विरोध या उनको रोकना चाहता है तो उनके साथ इस तरीके की हरकत होती है, होती तो है। इसके लिए क्या कहोगे? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने ये किया ना तो मैंने ये एक्सपेक्ट, मैंने ये सोचा भी नहीं कि मेरे साथ कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, अल्लाह काफ़ी है मेरे लिए, ओके। मुझे लगा मैं सही हूँ, मैंने एक स्टैंड लिया इसके लिए, बाकी आगे का मैं सोचता ना तवक्कल अल्लाह, ओके। जो लोग अच्छे रहेंगे वो मुझे, ये इंसिडेंट करने के बाद मुझे इतने मैसेजेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे शाबाशी के और गुड जॉब और वेरी ब्रेव जॉब, मगर कोई मुझे ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट करने नहीं, ना ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ किसी से, क्योंकि मुझे इससे तकलीफ थी, मैंने स्टैंड लिया। अब मैं ये मुझे ये हर सोसाइटी में जाके एक सोसाइटी कमेटी बिठाओ और उसके अंदर आप बात करो कि इसका क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, इसको आप ये एक्शन को, ये अगर सही एक्शन लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये 2 दिन के ऊपर ये सब गलत एक्टिविटी कोई भी कॉलोनी में टिक पाएगी। तो सही लोग अगर सच बोलना स्टार्ट करेंगे और सही लोग अगर एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे, असल में सबसे बड़ा मुद्दा प्रॉब्लम ये है मुमरा का कि यहाँ अच्छे लोग साइलेंट बैठे हैं और बुरे लोग या जो भी नशा करते हैं, मतलब ओपनली सिगरेट सोसाइटी के अंदर पीते हैं, अगर उनको आप कुछ बोलोगे ना तो और बढ़ती रहेगी वो हरकत। तो अच्छे लोग जब बात करेंगे तभी चीज़ रुकेगी, नहीं तो अपने आप कोई ऊपर से कुछ आने नहीं वाला है कि अपने आप ये रुक जाए। अच्छे लोगों को इसके लिए स्टेप लेना पड़ेगा और मैंने लिया हो तो मैं देखना चाहता हूँ कितने मुमरा में और कितने सोसाइटी में कितने लोग लेते हैं। पुलिस प्रशासन से क्या आपकी मांग रही है?
पुलिस प्रशासन से तो सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि रेगुलर पेट्रोलिंग कराओ एरियाज़ की, ओके, और ट्रैक डाउन करो कि किस एरिया में नशा ज़्यादा होता है और क्यों होता है, रीज़न क्या है इसके पीछे, ओके, लाइक बैकवर्डनेस ऑफ एजुकेशन है या फिर मतलब जो ये सब कौन करता है जिसके पास कुछ काम धंधा नहीं होता है, जो रोज़ 9 to 5 या जो भी जॉब करता है 24/7 उसके पास ये सब करने का टाइम ही नहीं होता है, ये सब रात में 12:45 कौन से सिविलाइज सोसाइटी के लोग जाके इतने 8-9 लोग मिला के इतना धुआं निकालते, और जिसकी जिसका घर है वो बिल्डिंग में ऊपर, उसको कितनी तकलीफ़ होती होगी, कभी आपने सोचे, एम्पथाइज करो ये चीज़ को कि अगर आपका घर वहाँ होता तो आपको कैसा लगता। तो मैंने इस एक्शन इसके लिए उठाया कि ये न्यू नेशियमन के अंदर ये आपको सीसीटीवी में जो मैं बात करूँ इसके बाद जो आने वाली है उसमें क्लियर प्रूव हो जाएगा, और ये लोग मेरे बिल्डिंग के सामने गेट के सामने भी आके यही एक्टिविटीज़ करते थे, तो मेरे से ये बर्दाश्त नहीं होता था, क्योंकि हम लोग जो मुमरा में रहते थे वो बहुत अच्छा मुमरा था, ये थोड़े कुछ सालों में ये चीज़ बहुत फैल चुकी है, अगर हम नहीं रोकेंगे तो कौन रोकेगा। आपका कहना है कि इन कुछ सालों में यहाँ पे ड्रग्स या इलीगल एक्टिविटीज़ मुमरा में मतलब 4 to 5 times बढ़ गई है। पहले हम लोग सुनते थे कि ये एरिया में बहुत नशे वाले हो रहे, अब ऐसा हो कि हर एरिया में हो गया है, और इसको एकदम जनरलाइज किया जा रहा है, नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है चीज़ का कि हाँ ठीक है होते हैं, अभी क्या कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं मतलब कुछ करना ही नहीं, तो फिर एरिया पूरा मुमरा बर्बाद हो जाएगा। तो मेरा बोलना है कि हम लोग को पुराना मुमरा जहाँ सबकी तमीज़ अच्छे बड़े बड़े छोटे की तमीज़ थी, नशे को कोई देख के सीधा रोक लेता था, तो मैं आज कैसा है किसी की तमीज़ भी नहीं है। पुलिस से क्या मांगे, पुलिस से मांगे कि आप लोग रेगुलर पुलिस पेट्रोलिंग करो और इसके ऊपर एक कमेटी बिठाओ, एक लाइक जो नारकोटिक्स की कमेटी होती है, कि ट्रैक डाउन करो पहले कि ये किधर किधर सोसाइटी के लोग रहते हैं या कि बाहर के लोग रहते हैं, ओके, उसके बाद अगर सोसाइटी के लोग हैं तो आप सोसाइटी से कांटेक्ट करो और उन पर सही सीवियर एक एग्जांपल सेट करो कि एक एक्शन आपने ले लिए है ना, फिर उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। और अगर पुलिस अपना काम इंशाल्लाह बराबर करेगी ना, तो मुझे नहीं लगता है कि ये नशे करने वाले की हिम्मत है कि वहाँ खड़े रहकर नशा करे वापस। क्यों आपने इससे पहले भी मैं सुना कि इसने आपने इस मामले को लेकर भी पहले एनसी की कराई गई थी, क्या? हाँ, मैंने आपको, मैं देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जॉब दुबई में है, तो कोई भी इंसान जो बाहर से आ रहा है अपनी छुट्टी पे, ये छुट्टी ये सब चीज़ के पीछे वेस्ट नहीं करेगा, राइट? तो जब जिस दिन मैं आया था ना, उसी दिन जब मैंने देखा कि लोग ये इलीगल एक्टिविटी मेरे कॉलोनी के सामने ही कर रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज में क्या नजर आ, तो अभी चरस हो सकता है, सिगरेट हो सकता है, ये सब इलीगल एक्टिविटीज ही है, इसको सब एक ही चैनल में आप कंसिडर कर सकते हो। तो मैंने एक वहाँ के कॉलोनी के एक ही लड़की की मैंने एनसी 4 तारीख को की थी, और मैंने लिटरली पुलिस से रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ ये एनसी को आप हल्के में ना लीजिए। हम लोग ने बहुत फॉलोअप किया उसके लिए और बोले कि प्लीज़ आओ और देखो क्या हो रहा है, ओके, और इससे बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ हो रही है। तो उसके बाद जैसे मैंने लास्ट वीडियो में मेरे जो दूसरे पत्रकार हैं जिसने मेरा इंटरव्यू लिया उनको बोला था, इस पर इम्पैक्चुअल एक्शन नहीं हुआ, कुछ भी कुछ हार्ड एंड फास्ट एक्शन नहीं हुआ, इसके वजह से दूसरा इंसिडेंट भी हो गया, उसकी भी एनसी हम लोग ने करा। अब मुझे पता नहीं कितनी एनसी और कितनी करानी पड़ेगी ये सब चीज़ के लिए, कब इस पर एक्शन होगा। तो आप ही लोग को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि दुश्मनी अल्हम्दुलिल्लाह, आप मेरा रिकॉर्ड निकालो, हम लोग तनवर में 25 साल से रहते हैं, तो इंशाल्लाह 99.99% लोग मुझे अच्छा ही बोलेंगे इंशाल्लाह। आप रैंडमली रिकॉर्ड निकालो मेरा, ऑब्जेक्शन इसके लिए, ऑब्जेक्शन अच्छे लोग नहीं कर रहे मेरा, अगर आप देखेंगे तो जो लोग ये एक्टिविटीज़ इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनको ही तकलीफ़ है, क्योंकि उनकी दुकान बंद हो जा रही है इससे, उनका अड्डा बंद हो जाएगा इस चीज़ से। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक चल रहा है चरस गांजा जो हमारे शहर में बढ़ रहा है, तो इसी चीज़ को लेके अभी मुझे तो फिक्रमंद होना पड़ेगा। तो मैं अपने चाचा अब्दुल गफूर रुमानी इनके साथ मिलकर थाने कमिश्नर को इसका एक हम लोग इसकी लाइक मेमोरेंडम देने वाले हैं और इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की रिक्वेस्ट करने वाले हैं। तो जितना हो सके हम लोग एंड तक कोशिश करेंगे, हम लोग इस पर चुप नहीं बैठेंगे।